यहाँ पे बाहर खड़े थे लौंडे लपाड़े दलाल, वो मुझे मेरे से मांग रहे थे यार 30,000 कजाक टेंगे। 30,000 कजाक टेंगे लगो यहाँ से मैं ले रहा हूँ राइस एंड चिकन। ये इधर कोई सूखी नदी पड़ी है यहाँ की, ये है उज्बेकिस्तान साइड का एरिया। अभी हम उज्बेकिस्तान की पहली झलक कुछ ऐसी है। अब यहाँ से कोई सिम कार्ड का शॉप मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ कजाकिस्तान का एक शहर है आलमेटी। आलमेटी में आए मुझे वैसे तो यार 3 दिन हो गए आज, लेकिन मैं कहीं नहीं घूमा। यहाँ पे बस मेरे हॉस्टल में पढ़ा रहा। मुझे बड़ा बोरिंग लग रहा था यार, पता नहीं क्यों मन भी नहीं कर रहा था मेरा। और अभी मैं हूँ यहाँ पे, देखो ये है आलमेटी शहर कुछ ऐसा है। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ वहाँ पे उज्बेकिस्तान जा रहा हूँ यार, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद। ताशकंद जाऊँगा, आपको बहुत खुला खुला मिलेगा कजाकिस्तान। ये देखो यहाँ की सड़कें वगैरह एकदम खुली खुली है। और मैं अभी आ गया हूँ यहाँ के बस स्टैंड पे, यहाँ से मुझे बस लेनी है ताशकंद के लिए। ऐसा नहीं है मैं वापस नहीं आऊँगा, ताशकंद घूम के फिर वापस से कजाकिस्तान आऊँगा, फिर कजाकिस्तान घूम फिर के फिर मैं रशिया निकल जाऊँगा। ये देखो ये है यहाँ का कोई बस स्टैंड, और मुझे यहाँ से बस पता करनी है ताशकंद के लिए। और यार अभी मैंने ना ये आईफोन से नई नई ब्लॉगिंग शुरू की है यार, ये पता नहीं ऊपर नीचे होता है। मुझे 2-4 वीडियो बनाऊंगा ना तब जाके मुझे थोड़ा सा वो आइडिया लगेगा कि आईफोन से शूट कैसे करना है। और ये ड्रोन मैंने ले ही लिया, आप लोगों को दुबई वाला ब्लॉग देखा होगा ड्रोन वाला। अब यार एक तो यहाँ पे लिखा हुआ ना रशियन में लिखा हुआ होता है, मेरे समझ में नहीं आता कि कौन सी बस लेनी है मुझे, किससे पहुँचूँ। ये देखो यहाँ की बसें वगैरह कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे पहुँचता हूँ। देखिए यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं जानता, वो अपने लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट होता है ट्रेवलिंग में यार। कोई इंग्लिश नहीं जानता लोकल लैंग्वेज, जब यहाँ पे रशियन कजाक चलती है तो उसमें मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है। ये यहाँ का बस स्टैंड कुछ ऐसा है यार। अभी एक भाई से पूछा, भाई ने बोला यार थोड़ा सा अंदर जाइए पता करो, यहाँ से बिश्केक के लिए तो जा रही है लेकिन ताशकंद के लिए नहीं जा रही। बिश्केक शायद किर्गिस्तान की कैपिटल है, मुझे सही से याद नहीं है। हाय ताशकंद, ताशकंद या हाँ वारी वो राशिद ये भाई कह तो रहे हैं भाई ताशकंद के लिए जाने के लिए। देखता हूँ, देखे यहाँ से ताशकंद वैसे ज़्यादा दूर नहीं है यार, यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर गई भाई 5,000 इंडियन रुपीज मांग रहा है, 30,000 कजाकिस्तान टेंगे, तो 5,000 तो बहुत ज़्यादा। ये शायद प्राइवेट टैक्सी के लिए तो नहीं बोल रहे यार, मैं एक बार कन्फर्म तो कर लूँ ब्रो। प्राइवेट टैक्सी, अच्छा ये बोल रहे थे स्लीपर के लिए, ये बोल रहे थे स्लीपर और सीटिंग, मतलब स्लीपर और सीटिंग के लिए बोल रहे थे। बस ही है ऑफ कोर्स, और बस का 5,000 मैं नहीं लेने वाला, बहुत ज़्यादा है यार। वो पीछे है ना, वो है यहाँ का बस स्टैंड। और यहाँ पे बाहर खड़े थे वो लौंडे लपाड़े दलाल, वो मेरे से मांग रहे थे यार 30,000 कजाक टेंगे। 30,000 कजाक टेंगे लगभग 5,500 के लगभग होता है। तो मैंने सोचा यार 5,500, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो बता रहा था 5,000 टेंगे बता रहा था वो सिटिंग वाले का, सिटिंग सीट का 5,000 टेंगे। फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ झोल जरूर है भाई। फिर मैं थोड़ा सा पूछा कि भाई यहाँ पे काउंटर कहाँ पे, टिकट काउंटर कहाँ पे, टिकट काउंटर उन्होंने बोला अंदर टिकट काउंटर है। अंदर जाइए पता किया तो मालूम चला जो यहाँ से कजाकिस्तान आलमेटी से ताशकंद के लिए जो बस का किराया है ना वो है 10,000 टेंगे मात्र, वो होता है 1,600 इंडियन रुपीज़ के। अब देखो बाहर कहाँ 30,000 टेंगे एंट रहे थे, अंदर जाइए 10,000 टेंगे में टिकट मिला है, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेने चाहिए। आलमेटी आप कभी आते हैं तो यहाँ पे बस स्टैंड के पास में, ये सायरन बस स्टैंड बोलते हैं इसको, सायरन बस स्टैंड, यहाँ से आके टिकट ले सकते हैं आप लोग। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे खाना पीना खाना है यार। ये देखो आलमेटी की बसें वगैरह कुछ ऐसी है, वो देखो यहाँ की आलमेटी की बिल्डिंग वगैरह कुछ ऐसी दिखती है। और जो मेरी बस है ना यहाँ से आलमेटी से ताशकंद के लिए, वो सुबह शाम को 6 बजे है। अब वो मुझे लगता है कि कल मुझे 6 बजे या 6 बजे बाद ही ले जाएगी, मुझे ताशकंद छोड़ेगी। अभी टाइम हुआ है यहाँ पे 2 बजे हैं और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बिस्किट खाए थे। अब थोड़ा सा सामने एक मुझे रेस्टोरेंट दिख रहा है, वहाँ पे चल के थोड़ा बहुत खाना पीना खाता हूँ यार, फिर थोड़ा सा शाम को 6 बजे जाने से पहले खाना पीना खा लूँगा, वरना फिर पूरी रात ट्रेवल करना है मेरे को यहाँ से। यहाँ से चलते हैं, थोड़ा रोड क्रॉस करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम वगैरह कुछ ऐसा होता है, यहाँ की सड़कें वगैरह कुछ ऐसी होती है। और यहाँ पे अभी पतझड़ ऋतु चल रही है भाई, देखो सारे पेड़ पौधों के हैं ना पत्ते सारे जड़े हुए हैं।
ये कोई इस्तांबुल रेस्टोरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा चल के अंदर खाना पीना खाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है भाई खाने पीने में। मुझे लगी है बड़ी जोरों की भूख, सही बता रहा हूँ। मैं इस मोहतरमा से पूछ रहा हूँ, एक बात है, यहाँ पे हर कोई हंस मुस्कुरा, मतलब चेहरा यहाँ के लोगों का खिला हुआ है, मुस्कुराते हुए जवाब देंगे आप लोग। अभी इस मोहतरमा से मैंने पूछा डू यू हैव राइस एंड चिकन, मैंने पूछा नहीं भाई, ट्रांसलेटर से मैंने दिखाया। मोहतरमा मुस्कुराते हुए बोलती है यस। यहाँ से मैं ले रहा हूँ राइस एंड चिकन, ये चिकन है वो राइस है मोहतरमा। 3-4-5-6-4 घंटे है मेरे पास, 4 घंटे मेरे को सारा इस बस स्टैंड पे और ये रेस्टोरेंट में सोफे वगैरह पे बैठ के ऐसे ही बिताना है। और रेस्टोरेंट में आते ही मेरे को ना गर्मी जबरदस्त लग रही है इस रेस्टोरेंट में आते ही। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट और लंच, दोनों ब्रंच हो गया, चिकन एंड राइस। ज़्यादा स्पाइसी वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी खा के काम चलाते हैं अभी थोड़ा सा। अभी यहाँ पे खाना वाना हो गया है, खाने का जो प्राइस था वो था 1800 टेंगे, 1800 टेंगे है ना, जो लगभग होता है 318 इंडियन रुपीस के लगभग। तब आप लोगों को यहाँ की लोकल करेंसी दिखा देता हूँ पहले। तो जिस भी कंट्री में जाओ ना, आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई जिस भी कंट्री में जाओ तो वहाँ की करेंसी ज़रूर दिखाया करो। ये 10,000 टेंगे, उल्टा पकड़ रखा हूँ क्या, जैसे भी पकड़ो, 10,000 टेंगे का नोट है ये। ये है 500 टेंगे, ये देख लो, ये है 5,000 टेंगे, ये है, और ये है 1,000 टेंगे का नोट। जो भी मेरे पास नोट थे वो मैंने आप लोगों को सर लगभग सारे दिखा दिए। अब मैं आ गया हूँ यहाँ का जो बस स्टैंड का जो अंदर का पार्ट है ना, यहाँ पे इन लोगों ने बैठने बैठने के बना रखे हैं। अंदर से कुछ ऐसा है यहाँ का बस स्टैंड है, जो यहाँ पे चेयर वगैरह इन लोगों ने बैठने बैठने के लिए लगा रखी है। और वो सामने यहाँ पे टिकट काउंटर बना रखे हैं, वो सामने 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है वो टिकट काउंटर है सामने। अभी यहाँ पे बजा है 4:30 और वहाँ बस स्टैंड पे बैठा बैठा मैं वैसे भी बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम भी लूँ यार। फिर आलमेटी का बस स्टैंड आसपास के एरिया को तो मैं कम से कम एक्सप्लोर कर ही सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह तो काफ़ी बड़ी बड़ी है आलमेटी में यार, लेकिन है भी काफ़ी खुला खुला चौड़ा चौड़ा है। अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रखा थोड़ा सा, यहाँ से शायद कोई रिवर वगैरह जा रहा है, अभी थोड़ा सा उधर चलता हूँ, शायद कोई रिवर वगैरह जा रहा है सामने से। ये इधर कोई सूखी नदी पड़ी है यहाँ की, बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो रखा है, नदी है जो पूरी सूख चुकी है। नदी है या तालाब है, नदी नहीं है भाई, कोई यहाँ पे ब्रिज वगैरह पुल वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे ये लोग है जो यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। अभी यहाँ पे टेम्परेचर है लगभग 20 के लगभग, सर्दी का टाइम चल रहा है अभी। बाकी यहाँ पे लोगों का बात करें तो यार लोग तो ठीक ही है, एक हरामी आदमी मिला है, बाकी सारे के सारे लोग मुझे अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे कजाकिस्तान में। अब तक 3 दिन का एक्सपीरियंस यही है, एक तो बड़ा आरामी था भाई, उसने तो खतरनाक वाली चोट की थी, बताऊंगा बाद में। ये है यहाँ की बस, शायद मुझे लगता है शाम को ऐसी बसें जाएगी, मुझे ऐसे लगता है ये बसें जाएगी शाम को। ताशकंद, ताशकंद आई ऑलरेडी बॉट टिकट, टिकट 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 ऑलरेडी टिकट। ये भाई आया है कि यार आपको कहाँ जाना है, ताशकंद जाना है क्या? मैंने बोला यार मैं ऑलरेडी टिकट परचेज कर चुका। अब टिकट पता नहीं उन्होंने दिया तो कौन सी गाड़ी का है, नॉर्मल है या ऐसी लग्जरी बस है, देखते हैं अभी। वो तो शाम को 6 बजे, अभी 4:45 के लगभग टाइम हो गया है यहाँ पे, अब टाइम हो गया है यहाँ पे शाम का 5:30, ऑलमोस्ट 4:45 हो गया है, 15 मिनट बाद यहाँ पे बस चलने वाली है यहाँ से। और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ के बस स्टैंड के अंदर, और अभी पता है यहाँ पे क्या हुआ, मेरे से 2,000 टेंगे गिर गए मेरी जेब से। तो एक लेडीज थी भाई साहब, मेरे को ढूंढ के इधर उधर चारे बस स्टैंड पे ना, वो चारों तरफ मैं मेरे की जेब से गिरता हुआ उसको दिख गया, और जब तक वो उसको उठा के मेरे को देने को आए तब तक मैं उसकी आंखों से ओझल हो गया। तो चारों तरफ बस स्टैंड पे घूमते 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 कोई आधे एक घंटे बाद ना मुझे ढूंढ के, और मुझे वो 2,000 टेंगे पकड़ाई है, बोलती कि तुम्हारा गिर गया था, वो लोकल लैंग्वेज में बोलते, ट्रांसलेटर से थोड़ा सा समझ में आया। 2,000 टेंगे लगभग होता है ये, मान के चलो कितना होता होगा, 350-450 रुपये के लगभग होता है। और ये है हमारी बस जो ताशकंद को जाने वाली है, ये देखो बस पे क्या खिलौने बना रखे इन लोगों ने। और अब बस में हमारी बोर्डिंग हो गई है शुरू, और यहाँ पे आप लोग सूज को ना बस में नहीं ले जा सकते हैं, ये देखो सब लोग ना सूज उतार उतार के और उनको एक थैली दे रहे हैं, थैली में अपन अपना सूज डालो, उसको ले जाओ अपने बैग में डालो या अपनी सीट पे डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो देखो एक बिछा रखा है, उसके ऊपर जाओ आप, सूज निकालो और सूज को थैली में डालो, ये देखो वो थैली में डाले जा रहे हैं सब लोग, अपना अपना सूज है जो निकाल निकाल के। और यहाँ पे लोग वागना काफ़ी फ्रेंडली हैं कजाकिस्तान के लोग, अभी मैं मिला हूँ यहाँ पे काफ़ी लोगों से, तो ये भाई साहब यूट्यूबर वगैरह इनको देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं, यहाँ के लोग कजाकिस्तान के लोग हैं जो, और ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, चारों तरफ ही यही है यहाँ पे। व्लॉगर्स, ट्रेवल व्लॉगर्स वगैरह को देख के या जो ट्रेवल इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ की बस में, और बस अभी आप लोगों को दिखाता हूँ बस कैसी है,
अभी पता नहीं मुझे सुबह कितने बजे पहुंचाएगी, मैंने किसी से पूछा भी नहीं, जितने बजे भी पहुंचा है पहुंचा देगी अपने को, क्या ही करना, रात भर इस बस में सोते हुए चलेंगे। और ये बस ना छोटी पड़ गई भाई मेरी, छोटी है और थोड़ा सा आइए से दिखाता हूँ आपको बस कैसी है अंदर से। ये देखो यहाँ पे ऐसी सीट होती है, ये नीचे वाली सीट है और ये है ऊपर वाली सीट यहाँ की। अभी शाम का हो गया, 8:30 बज गया यहाँ पे, और अभी इन लोगों ने एक रेस्टोरेंट पे रोका है तो यहाँ पे खाना पीना, वैसे खाना पीना मैं 3-4 बजे तो मैंने खाना खाया था यार, उसके बाद मैंने सोचा कि पता नहीं रास्ते में रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खाने पीने का सामान मैंने परचेज कर लिया था, तो अभी यहाँ पे मैं कुछ खाने पीने वाला हूँ नहीं। और ये देखो रेस्टोरेंट वगैरह दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो कैसा क्या रेस्टोरेंट है यहाँ का। ये कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये है ग्रोसरीज आइटम यहाँ पे मिल जाएगा, और अंदर है जो कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पे है जो कुछ गर्म पता नहीं कुछ शायद दूध वगैरह चाय वगैरह कुछ बेच रहे होंगे ये लोग, और वो रुकी है हमारी बस। शाम का 8:30 बजे का सीन कुछ ऐसा है यहाँ का। अब आईफोन लेने के बाद ना ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई कि रात को रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वरना इस टाइम ना गोप्रो बिल्कुल प्राण त्याग देता भाई, जान दे देता रात होते ही, बस लो लाइट में गोप्रो बिल्कुल भी काम नहीं करता। आईफोन लेने के बाद ये नाइट रिकॉर्डिंग वाला ये झंझट मेरा खत्म हो गया, बहुत दिक्कतें होती थी नाइट में रिकॉर्डिंग करने में। मुझे यार एक पानी का बोतल लेना है, तो पानी का बोतल तो मैं ले ही लेता हूँ। हेलो वाटर वन बोतल, यहाँ से एक पानी का बोतल खरीदा है, ये पानी का बोतल मुझे पड़ा है 44 इंडियन रुपीज का, 250 टेंगे, 250 टेंगे में 44 इंडियन रुपीज होते हैं। तो यार पानी इतना महंगा, पता नहीं क्यों इंडिया में सबसे ज़्यादा सबसे सस्ता पानी इंडिया में मिलता है, बाकी यहाँ पे जो पानी वगैरह खाना पीना वगैरह कजाकिस्तान में मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम पहुँच गए हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान बॉर्डर पे, अभी हम लोग हैं कजाकिस्तान साइड में, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं इमिग्रेशन वगैरह करते हैं, और ई वीजा है उज्बेकिस्तान का ई वीजा है, कजाकिस्तान का वीजा होना अवेलेबल आप लोगों को बता दूं। और ये है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का बॉर्डर। सो गाइस फाइनली हमारा जो इमिग्रेशन था वो हो गया है, और इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, बस ई वीजा जो था वो मुझसे देखा और भाई ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। और अभी हम लोग आ गए हैं जो उज्बेकिस्तान साइड में, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे, और अभी आप लोगों को जो उज्बेकिस्तान साइड में जो बॉर्डर है उज्बेकिस्तान साइड का जो एरिया है बॉर्डर का वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये है उज्बेकिस्तान साइड का एरिया, अभी हम लोग उधर से आए हैं, उधर से चलते चलते यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह है, वहाँ पे सिम कार्ड मिल जाएगा, मनी एक्सचेंज वाले यहाँ पे बहुत सारे मनी एक्सचेंज वाले घूम रहे हैं। और यहाँ से हमारी बस पता नहीं यार हमें दूसरी बस लेनी है, उसी बस में जाना है, वैसे सारे जो हमारी बस के पैसेंजर थे वो सारे खड़े तो यहीं पे हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ताशकंद का जो बस स्टैंड है यहाँ पे, और यहाँ से अब मुझे जाना है सिटी सेंटर की तरफ। अब देखता हूँ मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है सिटी सेंटर किधर है, कहाँ पे मैंने हॉस्टल बुक करना है मुझे, अभी मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, सिम कार्ड खरीदूंगा पैसे विड्रॉ करूंगा फिर उसके बाद कुछ जाके थोड़ा सा वो बैठेगा यार। यहाँ का बस स्टैंड दिखाता हूँ आप लोगों को ताशकंद का, ये है ताशकंद का बस स्टैंड, और अब मैं आ गया हूँ थोड़ा सा बस स्टैंड के बाहर, यहाँ से मुझे पैसा विड्रॉ करना है ओरिएंटल फिनांस बैंक। अभी यहाँ से मैंने निकाले हैं 15 लाख सोम, 15 लाख उज्बेक सोम भाई साहब, ये देखो यहाँ पे आते ही मिलीनियर बन गया मैं तो। अब मुझे थोड़ा सा आगे चलना है, यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे सिम कार्ड शॉप मिलेगा, देखता हूँ कोई बस वगैरह लेके और मैं ताशकंद सिटी को जाऊँगा यहाँ से। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो ट्रेन का स्टेशन, मैं मेट्रो लेके सिटी जा रहा हूँ। यहाँ पे बसें वगैरह टैक्सी वगैरह पता नहीं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, जैसे बस स्टैंड के बाहर आया तो मुझे मेट्रो स्टेशन दिख गया, मेट्रो लिखा हुआ दिख गया, तो बेसमेंट पे आया तो यहाँ पे टिकट वगैरह सब मिल गया मुझे। और अभी मैंने यहाँ पे दिए थे पता नहीं 50,000 सोम दिए, उन्होंने टिकट भी दे दिया और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये एक नोट दिया, अरे इतने नोट मुझे वापस किए उन लोगों ने, पता नहीं यहाँ पे करेंसी का क्या हिसाब किताब बैठेगा। और ये आ गई यहाँ की मेट्रो, उज्बेकिस्तान की मेट्रो वगैरह कुछ ऐसी होती है आप लोग देख लो भाई साहब। अभी हम लोगों को चलना है उज्बेकिस्तान सिटी। अभी मैं यहाँ पे कोई मेट्रो स्टेशन पे उतर गया यार, मुझे भी नहीं पता यही सिटी सेंटर है क्या। एक्चुअली यहाँ पे एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मुझे रशियन वगैरह आती नहीं है, इंग्लिश वगैरह ये लोग जानते नहीं है। सबसे पहले तो मुझे लेना है सिम कार्ड, सिम कार्ड लेते ही सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी, मैं ट्रांसलेटर यूज कर पाऊंगा, जगह वगैरह सर्च कर पाऊंगा कि कौन सी जगह कहाँ पे, अभी मेरे पास सिम कार्ड नहीं है यहाँ का। अभी आ गया हूँ जो मेट्रो स्टेशन था उसके बाहर, बाहर का पार्ट कुछ ऐसा है, ये देखो उज्बेकिस्तान की पहली झलक कुछ ऐसी है। अब यहाँ से कोई सिम कार्ड का शॉप मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। हॉस्टल वगैरह भी मैंने कुछ भी नहीं बुक किया है, हॉस्टल वगैरह कुछ बुक नहीं किया है,
अब यहाँ से पहले सिम लूंगा, फिर हॉस्टल वगैरह सर्च करूंगा। सिम कार्ड के कम से कम 3 मैं स्टोर पे जा चुका, लेकिन तीनों स्टोर पे आज यहाँ पे सैटरडे की वजह से कोई भी सिम कार्ड एक्टिवेट करके देने में समर्थ नहीं है, और मैं इधर से उधर केवल सिम कार्ड के चक्कर में भटक रहा हूँ। अब मेरे को एक बार सिम कार्ड मिल जाए तो मैं कुछ काम धाम करूँ यार, हॉस्टल वगैरह बुक करूँ। और ये देखो मैं कहाँ पे आ गया, मुझे लगता है यहाँ का सिटी सेंटर है सिम कार्ड सर्च करते करते। ये देखो ये मैं इस वाले पार्ट में आ गया सिम कार्ड सर्च करते 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 करते। अब मुझे सामने एक यूसेल का शॉप दिख रहा है, यहाँ पे यूसेल भी एक वो है टेलीकॉम कंपनी है। वो देखो सामने यूसेल का शोरूम रहा, वो रहा यूसेल। अच्छा है उज्बेकिस्तान में क्लीननेस वगैरह साफ सफाई वगैरह अच्छी है। यहाँ पे अभी बैठ के मैं थोड़ा एक बार सिम कार्ड मिल जाए तो यहाँ पे बैठ के खाना पीना खाऊंगा। तो अभी यहाँ पे यूसेल की शॉप में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 35 GB इंटरनेट मिलेगा मुझे 70,000 SOM में। 70,000 SOM होता है 504 इंडियन रुपीस के बराबर। तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता है यार इंटरनेट, इतना सस्ता मैंने किसी और अदर कंट्रीज में नहीं देखा आज तक जो भी कंट्री विजिट किए मैंने। और ये मोहतरमा है, यहाँ से अभी मैं सिम कार्ड ले लेता हूँ, 4G देंगे शायद। यहाँ से यूसेल का सिम कार्ड परचेज कर लिया मैंने, और अब मैं आराम से बिंदास होकर इंटरनेट वगैरह यूज कर सकता हूँ। मुझे होटल वगैरह हॉस्टल वगैरह सर्च करना है वो सर्च कर सकता हूँ, सबसे पहले खाना पीना। तो अभी मैं एक रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया चिकन सैंडविच और ये कुछ चिप्स वगैरह। इसका प्राइस पड़ा है मुझे 28,000 SOM। 28,000 SOM होता है 208 इंडियन रुपीस, काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है। और अभी यहाँ पे मैंने टैक्सी बुक करा हूँ, यहाँ पे एक एप्लीकेशन चलता है यनडेक्स, तो आप लोग उसके थ्रू टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं। टैक्सी वगैरह भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। अभी जो मैंने हॉस्टल बुक किया है वो यहाँ से 5.5 किलोमीटर। अभी टैक्सी वगैरह बुक करता हूँ और फिर हॉस्टल को जाता हूँ, फिर आराम करूँगा आज, फिर कल से मैं उज्बेकिस्तान को एक्सप्लोर करना शुरू करूँगा। अभी यहाँ पे मैंने ले लिया है टैक्सी। सलाम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का बड़ा क्रेज है, जहाँ भी जाओगे ना आप लोग शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का नाम जरूर लेंगे। इंडे। अब यहाँ पे टैक्सी ले लिया यार, अब मैं जाऊंगा हॉस्टल को। यहाँ पे टाइम हो गया लगभग 12:15 देख लो, मुझे इधर उधर घूमते खाना पीना खाते टैक्सी लेते सिम कार्ड लेते हुए ये सब करते हुए। तो गाइज अभी यहाँ पे हो गया है शाम का लगभग 5:30 है, और मैंने मेरे हॉस्टल में चेक इन कर लिया था, दोपहर में आ गया था मैं। हॉस्टल का जो रेंट था वो था 85,000 SOM। 85,000 SOM होता है 613 रुपए के लगभग। वैसे तो 65,000 SOM था, लेकिन ये 20,000 SOM पता नहीं कुछ टूरिस्ट चार्ज वगैरह ऐसे चार्ज करते हैं। अब पता नहीं हकीकत में यहाँ पे का रूल्स है या मेरे से ही चार्ज किया है। तो अब थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आते हैं यार, थोड़ा सा मैं बाहर जाऊंगा अभी बाहर घूमने फिर निकलूंगा। शाम का 5:30 हो गया, थोड़ी देर बाद फिर खाना पीना खाऊंगा और वापस हॉस्टल में आके सो जाऊंगा। फिर कल से मैं शुरू करूंगा मेरा ये उज्बेकिस्तान का जो ट्रिप है। ये है जिस हॉस्टल में मैं ठहरा हुआ हूँ ना, देखो हॉस्टल पॉइंट्स, आप लोग कभी आते हैं तो यहाँ पे ठहर सकते हैं इस हॉस्टल में। हॉस्टल काफी क्लीन है, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ के रूम कुछ ज्यादा ही, जो डॉर्मेटरी रूम है ना वो कुछ ज्यादा ही छोटे लगे मेरे को, कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा छोटे लगे। मुझे तो पता नहीं रात को सो भी पाऊंगा या नहीं सो पाऊंगा ढंग से। तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ का जो सिटी सेंटर उधर जाऊंगा। अभी तो ये देखो यहाँ की सड़कें वगैरह खाली खाली है यार, अभी तो वहां से मुझे मिलेगा बस, सिटी सेंटर की तरफ आता हूँ या फिर और कहीं जाता हूँ। देखिए यार बस लेके नहीं जाऊंगा तो फिर मैं टैक्सी कर लूंगा, टैक्सी भी यहाँ पे ज्यादा महंगी नहीं है यार। ये यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है शायद, अंडरग्राउंड जा रहा है मतलब मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे अभी सर्दी है ना जो खत्म होने को आई है, सर्दी खत्म होने को आई है, यहाँ पे वसंत ऋतु चल रही है। अभी जो वेदर है ना एकदम बहुत अच्छा है। वहाँ पे जब मैं कजाकिस्तान था ना वहाँ पे तो फिर भी सर्दी थी, लेकिन यहाँ पे अच्छा वेदर है। यहाँ का भी जो वेदर है ना, वेदर बड़ा मस्त है यार, ऐसे वेदर में घूमने में बड़ा मजा आता है। ना ही सर्दी ना ही गर्मी, यहाँ पे सर्दी ना ही गर्मी। जैकेट पहन रखा हूँ लेकिन इतनी सर्दी है नहीं। ये भाई देखो टी शर्ट में घूम रहा है आराम से, टी शर्ट में गाड़ी चला रहा है, तो मैं भी टी शर्ट में घूम, मैं सोचा कि कहीं सर्दी वर्दी होगी बाहर, इसलिए मैं जो है ये जैकेट पहन के आ गया। लेकिन रशिया जाऊंगा ना, रशिया जरूरत पड़ेगी यार जैकेट वैकेट की, पता नहीं मैं वहाँ सर्दी के कपड़े लिए थे वो वहीं छोड़ा है मैं इंडिया में ही। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ का जो थोड़ा सा सिटी एरिया है वहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे अभी घूमते फिरते हैं और फिर थोड़ा सा खाना पीना खा के और फिर वापस उधर चल देंगे अपनी हॉस्टल की तरफ। और ये देखो अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ का एरिया कुछ ऐसा है, काफी अच्छा अच्छा दिखता है अभी। यहाँ भी बड़ा लंबा चौड़ा ट्रैफिक लगा यार, जहाँ भी मैं अभी ठहरा हूँ ना यहाँ पे, मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाएगा तो खाना पीना खाएंगे।
ये यहाँ पे इन लोगों ने बैठने की बना रखी है यार, देखो ये पार्क वगैरह बना रखा है, आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन ये पेड़ वगैरह है जो सारे सूख गए यहाँ पे। ये है साइकिल, ये दुबई में भी ऐसी साइकिल वगैरह चलती है, आप लोग दुबई में बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसी साइकिल वगैरह लेते इधर उधर जाते हुए देखा है। और ये है यहाँ का कोई मेट्रो स्टेशन, अभी यहाँ पे हो गया है ताशकंद में शाम का 7:45 बज गया है, और अभी मैं मार्केट वगैरह ही घूम रहा था, थोड़ा सा शाम का सीन भी दिखाई देता हूँ आप लोगों को, मैं काफ़ी देर से यहीं बैठा बैठा टाइम पास कर रहा था यार। और यहाँ पे शाम की हलचल कुछ ऐसी है, आप लोग भी देख लो भाई साहब, अभी थोड़ा बहुत मुझे खाना पीना भी खाना है, चलते हैं यार वापस से, कहाँ से मिलेगा मुझे यहाँ से बस देखता हूँ सबसे पहले। तो अभी जाते जाते मैं यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में आ गया, फिर मैंने सोचा यार हॉस्टल जाऊँगा, फिर वहाँ खाने के लिए इधर उधर सर्च करूँगा, ज़्यादा बेटर है ना यहीं से खाते हुए चले जाऊँ। और अभी मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है एक चिकन बर्गर और एक फ्रेंच फ्राइज, वो मुझे पड़ा है 55,000 सोम का, जो कि इंडिया की करेंसी में लगभग 396 इंडियन रुपीज़ होते हैं। और ये रेस्टोरेंट कुछ ऐसा है, ये है यहाँ का कोई रेस्टोरेंट, अभी यहाँ पे खाना पीना खाइए फिर मैं जाऊँगा हॉस्टल को। तो ये देखो ये अपना चिप्स एंड बर्गर, पता नहीं मैं क्यों इतना गंदा खाना खा रहा हूँ यार, हर रोज आए दिन ही मैं इतना गंदा खाना खा रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। सो गाइस अब मैं वापस से जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल को। तो ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।